सनातनी लड़के और हरियाणवी छोरे ने बिग बॉस में जाते ही धमाल मचा दिया है। बिग बॉस में जाते ही बड़े बड़े जो बॉलीवुड के स्टार हैं उसके फैन हो गए हैं। यहाँ तक कि आलिया भट्ट जो कि पूजा भट्ट की बहन है, उनका भी फेवरेट कंटेस्टेंट जो है वो एल्विश यादव बन गया है। जी हाँ, अपनी बहन पूजा भट्ट से पहले उन्होंने अपना फेवरेट एल्विश यादव को बता दिया है, जिसके बाद पूजा भट्ट को तगड़ा झटका लगा होगा। वो भी हैरान हो गई होंगी ये बात सुनकर, क्योंकि आलिया भट्ट जो है एक फिल्म प्रमोशन के दौरान एल्विश यादव को अपना फेवरेट बताती हैं और ये भी बताती हैं कि एल्विश यादव मुझे बहुत पसंद है, वो बहुत शैतान है। जिस तरीके से वो बात करते हैं, जिस तरीके से अपने पॉइंट्स रखते हैं, उनके बात करने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इसी के साथ पूजा भट्ट और मनीषा रानी जो हैं वो बाद में आती हैं, लेकिन उससे पहले एल्विश यादव के बारे में आलिया भट्ट बोलती जाती हैं और एल्विश यादव को अपना फेवरेट बताती हैं। दरअसल रॉकी और रानी फिल्म का प्रमोशन करने आलिया भट्ट एक जगह पर पहुंची हुई थी। अब ऐसे में उनसे ये सवाल पूछा गया कि बिग बॉस में कौन आपका सबसे ज़्यादा फेवरेट है। आलिया भट्ट ने टपाक से आंसर दिया कि अगर मैं बिग बॉस में देखूं तो मुझे एल्विश यादव बहुत पसंद आते हैं, बिल्कुल रॉकी की तरह, वो भी शैतान है। पूजा भट्ट की बहन आलिया भट्ट अब एल्विश यादव की दीवानी हो गई हैं, लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है ये भी आप जान लीजिए। क्या आलिया भट्ट सच में एल्विश यादव को इतना पसंद करती हैं, या फिर ये है प्यार स्टंट? चलिए आपको बताते हैं। भट्ट परिवार के बारे में तो आप सभी जानते हैं, महेश भट्ट, पूजा भट्ट और आलिया भट्ट। इन सबकी फितरत क्या है? ऐसा फायदा, ये अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ना ये बहन के हैं ना भाई के। क्योंकि महेश भट्ट के बेटे को आप अगर देखेंगे तो उन्होंने अपने बाप पर ही कई तरह के आरोप लगा दिए हैं, और वहीं पर पूजा भट्ट और महेश भट्ट की जो कंट्रोवर्सी थी वो आप सभी ने देखी कि किस तरीके से महेश भट्ट ने ये बताया था कि अगर मेरी बेटी पूजा भट्ट मेरी बेटी नहीं होती तो मैं उससे शादी कर लेता। यहाँ तक कि लिप लॉक करते हुए उनका फोटो जो है वो भी बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, वो भी उस जमाने में जब सोशल मीडिया भी नहीं था, और अगर सोशल मीडिया होता तो क्या क्या चीज़ें बाहर आती आप सोच सकते हैं। अब ऐसे में आलिया भट्ट एल्विश यादव का नाम क्यों लेती हैं, आपको बताते हैं। दरअसल एल्विश यादव जो हैं वो सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं, उनकी फ़ैन फॉलोइंग जो है वो सबसे तगड़ी है। ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, हर जगह पर उनके फैंस छाए हुए हैं। और सनातनी लड़का है, गाय की पूजा करता है, योगी मोदी के खास हैं, और स्मृति ईरानी भी उनसे मुलाकात करती हैं, निर्मला सीतारमन उनसे मुलाकात करती हैं, यानी कि सत्ता में भी बहुत अच्छी तरीके से पकड़ है। और इस वक्त हिंदुत्व का जो माहौल है वो चल रहा है, राइट विंगर्स जो हैं वो उसके सपोर्ट में हैं। अब ऐसे में आलिया भट्ट ने अपने फिल्म के प्रमोशन के लिए और एल्विश यादव के जो फैंस हैं उनको अपनी तरफ करने के लिए एल्विश यादव को अपनी बहन से आगे रख दिया है। अब घर में जाकर अपनी बहन को तो मना लेंगी, लेकिन अपने फायदे के लिए, फिल्म के फायदे के लिए पीआर स्टंट करते हुए उन्होंने एल्विश का नाम ले लिया है। आपको क्या लगता है, आलिया भट्ट ने एल्विश यादव का नाम क्यों लिया होगा? क्या पीआर स्टंट जो हमें लग रहा है, या फिर सच में वो एल्विश यादव की फैन हो गई है और एल्विश यादव को दिल दे बैठी है? वैसे पूजा भट्ट, आलिया भट्ट और इनकी बात तो चलती रहेगी। ये आप सबसे पहले बताइए कि छोरे का सिस्टम कैसा लगा, एल्विश यादव कैसा खेल रहा है और बिग बॉस में विनर कौन होगा, कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि एल्विश यादव को सपोर्ट करना है और ज्यादा से ज्यादा एल्विश यादव की वीडियोस जो है वो वायरल होनी चाहिए भाई।